कर्नाटक में पॉलिटिकल ड्रामा रिजॉर्ट होते हुए मारपीट तक पहुंच गया है। कुमार स्वामी सरकार पर किसानों के अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी की 7 सदस्य टीम आज सूखा प्रभावित 4 जिलों का दौरा करेगी। बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में दल इन जिलों के अधिकारियों से राहत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लेगा। कर्नाटक सरकार पर सूखे से परेशान किसानों को अनदेखी कर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के विधायक बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा था कि विधायक सूखे के हालात पर चर्चा के लिए वहां जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के विधायक भी गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। शनिवार को रिजॉर्ट में ठहरे हुए 2 कांग्रेस विधायकों के बीच मारपीट की खबर है। कांग्रेस विधायक आनंद सिंह को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। No, the Congress Legislative Party, all the MLAs wanted to show their unity. They wanted to send a message. But it's out the CLP has decided. Are you scared, sir? I mean, Congress is scared of... We have shown our numbers, except 3. Everyone is on the track.